धरती का सबसे विशाल का सांप ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा भूख लगने पर बकरिया, हिरन, यहाँ तक कि अच्छे खासे साइज वाले मगरमच्छ भी निगल जाते हैं। तो क्या कोई एनाकोंडा इंसान को निगल सकता है? और आप कितने समय तक एनाकोंडा के अंदर जिंदा रहोगे? और क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? सो दिस इज फैक्ट मिस्ट्रीज। ये होगा अगर एनाकोंडा आपको निगल ले। यकीन करो या ना करो, 2014 में एक इंसान ने अपने आप को एनाकोंडा से निकलवाने की कोशिश की थी, बस यही जानने के लिए कि क्या एनाकोंडा किसी इंसान को निगल सकते हैं। उस इंसान ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए काफी मजबूत सूट पहना ताकि वो एनाकोंडा का प्रेशर झेल सके, और उस इंसान ने अपने सूट के ऊपर सुअर का खून लगा लिया था ताकि एनाकोंडा उस पर अटैक करे। जैसा सोचा था प्लेन के हिसाब से ओसे ही हुआ। एनाकोंडा ने उस इंसान को बिल्कुल तरीके से जकड़ लिया था, और इतने ज्यादा टफ सूट होने के बावजूद भी उसमें कई सारे क्रेक आ गए। फिर एनाकोंडा ने उस इंसान को सर से निगलने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बावजूद भी एनाकोंडा ऐसा नहीं कर पाया। तो क्या होता कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता? यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है। यहाँ पर आपके पास कोई भी टफ सूट नहीं है जो आपको एनाकोंडा से बचा सके। आप एमेजोन जंगल से गुजर रहे हो और तभी एक ग्रीन एनाकोंडा आप पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि वो एनाकोंडा आपको कैसे खा पाएगा? एक एवरेज ग्रीन एनाकोंडा 9 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिनका वेट तकरीबन 225 केजी जितना होता है। आप क्या ये सोच रहे हो कि आप काफी टेस्टी खाना होंगे एनाकोंडा के लिए? एक छोटी साइज वाला एनाकोंडा 18 किलो खाना खाता है। अगर वो ग्रीन एनाकोंडा आपको निगल जाता है तो उस एनाकोंडा को हफ्तों तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी जानवर या इंसान का वजन 45 किलो से ज्यादा हो तो एनाकोंडा उन्हें खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसलिए कि आप एनाकोंडा के हिसाब से काफी ज्यादा बड़े हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लंबाई कितनी है और आपकी बॉडी कितनी चौड़ी है उन जानवर से जो एनाकोंडा अक्सर खाया करते हैं। एनाकोंडा को आपको निगलने में बहुत ही ज्यादा समय और एनर्जी लगेगी। एनाकोंडा जब तक शिकार नहीं करेगा जब तक आप उसके पेट में पूरी तरीके से पच नहीं जाते। लेकिन जो एनाकोंडा ने आप पर अटैक किया है वो बहुत ही ज्यादा भूखा है, और उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका वजन 45 किलो से ज्यादा है। एनाकोंडा को आपको निगलने से पहले एनाकोंडा को आपको मारना पड़ेगा। एनाकोंडा कॉन्स्ट्रिक्टर सांप होते हैं, और एनाकोंडा आपको मारने के लिए आपकी बॉडी पर पूरी तरीके से लिपट जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं मरने की एक्टिंग करूंगा तो ग्रीन एनाकोंडा मुझे नहीं निकलेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि वो एनाकोंडा आपकी बॉडी पर पूरी तरीके से लिपट गया है, और यहाँ तक कि वो आपकी हार्ट बीट भी सेंस कर पा रहा है। एनाकोंडा आपकी बॉडी पर लिपट जाने के बाद आपकी बॉडी पर 9000 पाउंड का प्रेशर लगाएगा, और ये पल आपकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल होने वाले हैं। ये प्रेशर इतना होगा कि मानो आपको लगेगा आपकी छाती पर कोई हाथी बैठा हो, और इतना ज्यादा प्रेशर लगने पर आपकी तुरंत ही हड्डियां टूट जाएंगी और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थी और आपकी कुछ ही हड्डियां टूटी और अभी भी आप जिंदा हो। अब आप पूरा प्रोसेस महसूस करोगे कि कैसे एनाकोंडा आपको निगलता है। पहले एनाकोंडा अपना जबड़ा फैला लेंगे ताकि वो आपको आसानी से निगल सके, क्योंकि आप कोई छोटे शिकार तो हो नहीं। इस बात की चिंता मत करना कि एनाकोंडा आपको छोटे छोटे हिस्सों में काट कर खाएंगे। हाँ, एनाकोंडा के मुंह में दांत होते हैं जिन्हें फेंग्स बोलते हैं, लेकिन ये फेंग्स चबाने के लिए नहीं होते हैं। जब भी एनाकोंडा किसी को निगलता है तो ये फेंग्स उन्हें होल्ड करते हैं ताकि एनाकोंडा उन्हें आराम से निगल सके। बाकी सांपों की तरह एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं, तो आप एनाकोंडा के फेंग्स से ना ही मरोगे और ना ही पैरालाइज होंगे। लेकिन जब एनाकोंडा आपको निकलेगा तब उसके मुंह के अंदर बहुत ही ज्यादा सलाइवा मिलेगा यानी थूक, ताकि सलाइवा का इस्तेमाल करके एनाकोंडा आपकी बॉडी को गीला कर दे, ताकि एनाकोंडा ज्यादा एफर्ट लगाए बिना ही आपको आसानी से निकल ले। अब आप एनाकोंडा के फूड पाइप में हो यानी एसोफेगस में। कोई भी शिकार निकलते समय एसोफेगस के मसल्स आपकी बॉडी को एनाकोंडा के पेट में पुश करेगा। सारे एनाकोंडा में ये एबिलिटी होती है कि अपने शिकार को अपने पेट में पहुंचाने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं। ये मूवमेंट के कारण आपकी और भी ज्यादा हड्डियां टूट जाएंगी। अब आप ग्रेट ग्रीन एनाकोंडा के पेट में हो। चिंता मत कीजिए, अभी तक हमने आपको जिंदा रखा है ताकि हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर सके। एनाकोंडा के पेट में पहुंचने के बाद एनाकोंडा का पेट काफी ज्यादा पावरफुल एसिड और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा,
जिससे आपकी स्किन पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी और कुछ ही देर में आपकी हड्डियां भी डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एसिड कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। एक अच्छे खासे मगरमच्छ को निगलने के बाद उसकी चमड़ी डिजोल्व होने में तकरीबन 3 दिन का टाइम लगता है और एक मगरमच्छ की चमड़ी बहुत ही ज्यादा टफ होती है और मगरमच्छ के स्किन के मुकाबले हमारी स्किन कुछ भी नहीं है और सैडली हमारा लक यहाँ पे इतना अच्छा नहीं था। तो जैसे ही हम एनाकोंडा के पेट में पहुंचेंगे उसे हमारी स्किन डिजोल्व हो जाएगी। अब आपके बॉडी के कई सारे हिस्से हो जाएंगे ताकि वो एनाकोंडा के स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर सके। एनाकोंडा के लीवर और पेनक्रियाज बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपके बाल और नाखून पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। अगर आप कोई आर्मर पहनते हो जो एनाकोंडा के एसिड से आपको बचा सके तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ ही हफ्तों में बाहर निकल जाओगे, मुंह से नहीं कहीं और से। तो ये होने के चांसेस तकरीबन ना के बराबर होते हैं, तो प्लीज एनाकोंडा को अलग छोड़ देते हैं। एनाकोंडा कई केसेस में इंसान को खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और अगर एनाकोंडा हम पर हमला करते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप खतरा हो। इसका मतलब यह नहीं कि एनाकोंडा आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये आराम से आपकी जान ले सकते हैं, तो इनसे पंगा ना ले, यही सही होगा। और ऐसा ही क्रिएचर हमारे समुद्र में पाया जाता है जिन्हें हम वेल्स कहते हैं। ये भी किसी चीज को चबाते नहीं है, डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो क्या होगा अगर कोई वेल्स आपको निकल ले? इसी स्टोरी को अगले वीडियो के लिए बचा कर रखते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है थैंक यू वेरी मच, और जिसने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू आर ऑसम, दिस इज सूप साइनिंग आउट।